जैसे जैसे पोकेमोन की फ्रेंचाइजी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम लोगों को कुछ नए नए फिनोमिना से इंट्रोड्यूस कराते जा रहे हैं। और यार आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे 6 फिनोमिनास की बात करेंगे जिससे यार पोकेमोन के जो कि पावर लेवल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो हे गाइज एंड यार वेलकम इन टू द पोके मैट्रिक्स। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और यार इसके अंदर तुम लोगों को सारे के 6 के 6 फिनोमिनास के बारे में पता चलेगा कि यार वो कौन सा फिनोमिना है और यार उनके पीछे के पूरे लॉजिक और सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार अगर तुम लोग ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। और यार अगर तुम लोगों को बाय चांस कंटेंट नहीं पसंद आता तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और यार वीडियो पसंद आता है वीडियो को कर देने लाइक, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर सकते हो। और यार अभी ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मेगा एवोल्यूशन कीस्टोन। मेरे मन की बात सुनो, अब तैयार हो जाओ मेगा इवॉल्व। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि यार जेन 6 में हम लोगों को मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया था। अगर तुम लोगों को पोकेमोन XY का जो फर्स्ट एपिसोड था वो याद होगा, जिसके अंदर हम लोगों को मेगा ब्लेजिकिन दिखाया गया था जो कि यार दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल था, उसी वही से बहुत बड़ी हाइप बन गई थी मेगा एवोल्यूशन की। वैसे हम लोगों को मेगा एवोल्यूशन पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया था ब्लैक एंड वाइट की एक मूवी में, जेनेसेक्ट अवेकन वाली में, जिसके अंदर हमारा म्यूटू वो मेगा इवॉल्व कर सकता था। और यार इसके अंदर कोई भी शक की बात नहीं है कि यार मेगा एवोल्यूशन अब तक का सबसे बेस्ट फिनोमेना है। और यार ये अलाउ करता है हमारे पोकेमोन्स की पावर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। और यार कुछ पोकेमोन्स के पास सिर्फ एक ही मेगा एवोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे जैसे कि चारिजार्ड और म्यूटू, इन दोनों के पास दो दो मेगा एवोल्यूशन है, एक X है और यार दूसरा Y। अब यार पोकेमोन्स मेगा इवॉल्व करते कैसे हैं? तो यार देखो, पोकेमोन्स के पास होना चाहिए एक मेगा स्टोन जो कि उनके टाइपिंग से रिलेटेड होना चाहिए। और यार चारिजार्ड और म्यूटू के केस में यहाँ पे 2 स्टोन जुड़ जाते हैं। मेरा मतलब है कि यार हर एक पोकेमोन के पास 2 मेगा एवोल्यूशंस नहीं है, जिनके पास है उनके हिसाब से या तो हमें X वाला स्टोन रखना पड़ेगा या तो हमें Y वाला स्टोन रखना पड़ेगा, उन दोनों में से किसी एक में वो इवॉल्व कर पाएगा। और यार हमारा जो कि ट्रेनर है उसके पास होना चाहिए मेगा बैंड, जिससे वो पोकेमोन को कभी भी चाहे तो मेगा इवॉल्व कर सकता है एक सिंगल बैटल के लिए। और यार उस बैटल के अंदर हमारा पोकेमोन फुल पोटेंशियल पे सामने वाले पोकेमोन से लड़ पाएगा। और यार कुछ टाइम बाद जैसी बैटल ख़त्म हो जाएगा हमारे पोकेमोन उसके नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अब यार देखो मेगा एवोल्यूशन करता क्या है, मेगा एवोल्यूशन में हमारे जो पोकेमोन की पावर एंड यार उसके बेस स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब यार तुम लोग ये चीज़ देख के ही खुद सोच लो कि यार मेगा एवोल्यूशन हमारे पोकेमोन की कितनी ज़्यादा मतलब बेस स्टैट्स में इंक्रीज करता है। एक टाइप से हमारा चारिजार्ड एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन ही बन जाता है। और यार मेगा चारिजार्ड एक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है तुम लोग जानते हो यार। हमारा पोकेमोन ओरिजिन सीरीज़ में हमारे रेड के पास भी एक चारिजार्ड था जो कि मेगा चारिजार्ड एक्स ही में ही इवॉल्व किया था उसने, और उसने म्यूटू को हराया था। और यार जो कि हमारी नॉर्मल सीरीज़ है जो कि पोकेमोन XY सीरीज़ है, उसके अंदर अलान के चारिजार्ड ने कितने सारे पोकेमोन्स को बहुत ख़राब तरीके से मारा था। तुम लोग यार सोच लो यार मेगा एवोल्यूशन कितनी बढ़िया चीज़ है। नंबर 2 जी मूव्स। गाइज यार जी मूव्स हम लोगों को अलोला रीजन में इंट्रोड्यूस कराए गए थे। आई नो तुम लोगों में से काफ़ी लोगों ने अलोला नहीं देखा है, बिकॉज ना ही वो हिंदी डब है ना ही इंग्लिश डब है, इंग्लिश में काफ़ी मुश्किल से मिलेगा यार तुम लोगों को वो। खैर तो यार जी मूव्स हम लोगों को अलोला में दिखाए गए थे। जी मूव्स बेसिकली होते ही है कि यार वो पोकेमोन्स की जो कि अटैकिंग पावर को 100 गुना बढ़ा देते हैं। और यार हमारे जो कि पोकेमोन्स है वो बैटल में सिर्फ एक बार एक जी मूव यूज़ कर सकता है। और यार जी मूव्स की सबसे खास बात यह है कि यार ये कभी भी मिस नहीं होते। और यार हमारे एश कैचम ने अलोला रीजन में टोटल 8 या फिर 18 जी मूव्स और जी रिंग्स मतलब ऑप्टेन की थी। मेरा मतलब है कि यार उसके पास जितने भी पोकेमोन्स थे उन सभी की जी रिंग उसने ऑप्टेन की थी। अब यार देखो हमारा जी मूव परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल आइटम होना चाहिए जिसका नाम है जी क्रिस्टल एंड
जी रिंग। गाइज यार जी क्रिस्टल हमारे पोकेमोन के पास होता है और यार जी रिंग ट्रेनर के पास। गाइज यार ट्रेनर को एक पर्टिकुलर डांस करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे जो पोकेमोन है वो भी सेम डांस करता है और फिर लास्ट में जी मूव। ये बिल्कुल कामे हामे हाँ जैसा है, जैसे कि तुम लोग जानते हो हमारा गोकू भी ऐसा ही कुछ करता है। और यार ये जो जी मूव्स है इसी के मदद से हमारा जो कि ऐश के पिकाचू ने हमारी मिस्टी के मेगा गैरेडोस को भी हराया था, जो कि यार काफ़ी अमेजिंग था। अब यार मैं ये सारे के सारे जी मूव्स एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो भाई वीडियो क्या ही लंबा हो जाएगा। और यार जी मूव्स एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन करने में भाई मैं पूरी सीरीज बना सकता हूँ। क्या बोलते हो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 3 बॉन्ड इवोल्यूशन। गाइज यार ये फिनोमेना हर एक पोकेमोन की बस की बात नहीं है, जैसे कि तुम लोग जानते हो ये फिनोमेना सिर्फ कुछ स्पेशल पोकेमोन्स और यार कुछ स्पेशल ट्रेनर्स के लिए ही होता है, जो कि यार हमारे ऐश केचम को मिल चुका है। और यार उसका ग्रेनिंजा भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल था उसके लिए और यार वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत की थी उस बॉन्ड इवोल्यूशन को पाने के लिए। बॉन्ड इवोल्यूशन लाइक मेगा इवोल्यूशन मैन, वो मतलब पूरे के पूरे बेस स्टैट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि क्या ही बोलूं। तुम लोग यार ये चार्ट देख के ही समझ गए होगे कि यार ये जो नॉर्मल ग्रेनिंजा और यार ऐश ग्रेनिंजा इन दोनों के बेस स्टैट्स में कितना ज़्यादा फर्क है। और यार अगर तुम लोग इसको ढंग से देखोगे और किसी और मेगा इवॉल्व पोकेमोन से इस ऐश ग्रेनिंजा वाले चार्ट को कंपेयर करोगे तो यार तुम लोगों को पता चलेगा कि यार ये जो बॉन्ड इवोल्यूशन का जो चार्ट है ये मेगा इवॉल्व पोकेमोन से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा ही ज़्यादा है पर है। और यार बॉन्ड इवोल्यूशन का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर है कि यार तुम अपने पोकेमोन को बिना बोले कमांड दे सकते हो, लेकिन जो कि ऐश केचम ने नहीं किया। हम लोगों को बीच में दिखाया तो गया था कि वो बिना बोले ग्रेनिंजा को कमांड्स दे रहा था, लेकिन यार ऐश ने ढंग से ये चीज़ें मतलब यूज़ नहीं की। नंबर 4 ऑरा एवोल्यूशन। गाइस यार जैसे कि तुम लोग जानते हो हम लोगों को मिस्टी ऑफ म्यू मूवी में हम लोगों को सर एरॉन का लुकारियो दिखाया गया था, जो कि यार ऐश के साथ कनेक्ट कर रहा था अपनी ऑरा पावर से। और यार इससे पहले हम लोगों को होएन में भी एक रायलू के साथ हमारे ऐश का बॉन्ड दिखाया गया था, जो कि यार ऑरा पावर की वजह से हो रहा था। ऑरा पावर एक ऐसी चीज़ है, फैंडम विकिपीडिया के अगर हिसाब से हम लोग चले तो यार ऑरा पावर का मतलब ये है कि यार हमारा जो ट्रेनर है वो बिल्कुल पोकेमोन बन सकता है। और यार अगर पोकेमोन और हमारे जो कि ट्रेनर का ऑरा बहुत ही ढंग से जुड़ गया तो यार लुकारियो जैसा पोकेमोन इतना खतरनाक अटैक कर पाएगा, वो एक टाइप से जी मूव से भी ज़्यादा पावरफुल अटैक होगा, जो कि था ऑरा साइको कट, ऐसे ही कुछ नाम रहता है उसका। और उससे वो पूरी की पूरी मतलब एक पोकेमोन की टीम को उड़ा सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल फिनोमेना है ये। लेकिन यार ये फिनोमेना सिर्फ ये फैंडम विकिपीडिया की तरफ से है और ये कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है जो कि मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। हाँ लेकिन यार ये जो बॉन्ड की बात मैंने बताई ये बिल्कुल ही कन्फर्म है। और यार अगर गिलार में हम लोगों को ये चीज़ दिखाई जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और यार ऑरा एवोल्यूशन में ट्रेनर जहाँ भी पोकेमोन जाएगा या फिर कुछ भी करेगा उस चीज़ को देख सकता है पोकेमोन के नज़रिए से, और तो और यार पोकेमोन से बात भी कर सकता है। और यार ये फिनोमिना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एंड बहुत ही ज़्यादा ओपी है। तुम लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 5 डायनामैक्स। गाइज यार डायनामैक्स हर एक पोकेमोन हो सकता है। पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में हम लोगों को ये फिनोमिना बताया गया है। ये फिनोमिना हमारे एटरनेटस की कृपा से आया है सारे पोकेमोन्स के अंदर। वैसे ये सिर्फ 3 राउंड तक ही चलते हैं, यानी कि अगर तुम्हारा पोकेमोन डायनामैक्स है उसने 3 पोकेमोन्स को हरा दिया तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और डायनामैक्स में मतलब उनके बेस स्टैट्स में कोई भी मतलब चेंज नहीं आता है, वो सिर्फ जायंट बन जाते हैं और कुछ नहीं। बस यार चेंज इतना आता है कि यार उनके एचपी इंक्रीज हो जाती है और यार उनके जो कि नॉर्मल मूव्स होते हैं उनको सिर्फ मैक्स बोला जाता है, जो कि जो मूव्स वो छोटे रूप में रह के जितने साइज़ के वो कर पाते थे वही वो बड़े रूप में आके बड़े साइज़ के करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है यार, ज़्यादा नहीं। नंबर 6 जायगंटा मैक्स। गाइस यार जायगंटा मैक्स एक ऐसा चीज़ है, मतलब क्या ही बोलूँ, इसके अंदर पोकेमोन के बेस स्टैट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जायंट बन जाता है। जहाँ पर हमारा डायनामैक्स सिर्फ 3 राउंड तक टिकता है, ये पूरे एंटायर बैटल तक जायंट बने रहते हैं। और जो कि पोकेमोन के जो नॉर्मल मूव्स है वो बेसिकली बन जाते हैं जी मूव्स। और यार ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है और यार ये अब तक का काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग
फिनोमिना मुझे लगता है। और यार हमारा चारिज़ार्ड उनमें से एक ऐसा एक पोकेमोन है जो कि यार जिगेंटामैक्स हो सकता है, और यार उसके पास काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूव्स भी है। और यार तुम लोगों ने जैसे कि हमारे लियोन के चारिज़ार्ड को देखा ही होगा पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के कुछ एपिसोड्स में, जहाँ पर उसने रायान के पोकेमोन्स को काफ़ी खतरनाक तरीके से मारा था। और यार आज की ये वीडियो बस यही थी, तुम लोगों को सारे फिनोमिनाज होपफुली अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।